क्या यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट से कमजोर है क्या गेजटेड पोस्ट के लिए जिस तरह से नॉन गेजेड पोस्ट के लिए लद्दाख के अंदर जॉब्स लद्दाखियों के लिए रिजर्व किया है क्या उसी तरह पे उसी तनाजर में गेजटेड पोस्ट के लिए भी रिजर्व किया जाएगा क्योंकि हालिया दिनों में यूनियन टेरेटरी लद्दाख के लद्दाख यूनिवर्सिटी की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी किया है परमानेंट गेजटेड पोस्ट के लिए लद्दाख यूनिवर्सिटी के उस नोटिफिकेशन के आने के बाद लद्दाख के नौजवान जो इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में स्टडी कर रहे हैं तालीम हासिल कर रहे हैं और बहुत सारे इस्कॉलर जिन्होंने पीएचडी किया है उन्होंने इसके ऊपर खच्चा जताया है इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सज्जाद हुसैन करगिली जो कि अंजुमन जमे तमा इसना आश्रिया करगिल के रिप्रेजेंटेटिव करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर हैं जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कि गैजटेड पोस्ट हैं वहीं इस नोटिफिकेशन के आने के बाद जितने भी पी एच डी स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर खदचा जताया है उन्होंने उन्होंने कहा है कि लद्दाखियों के लिए गैजटेड पोस्ट जो है वो रिजर्व नहीं है क्या कुछ आपका टेक रहेगा क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सबसे पहले तो एक अच्छी बात यह है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने गुजशत साल ले और करगिल के नुमाइंदों की जो डिमांड है उसको मद् नज़र रखते हुए उन्होंने एल आर सी दिया लदाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट हमें दिया अनफॉर्चुनेटली uh, उसमें कमी रह गई वो कमी यह है कि वो नॉन गेज पोस्ट के लिए रही और दो साल अब तीन साल मुकम्मल होने जा रहे हैं हमारे पास अभी तक जो गेजटड पोस्ट हैं उनके लिए कोई रिक्रूटमेंट रूल नहीं है और ये जो एल आर सी है अगर आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल लॉ है जो डोमिसाइल लॉ के अंदर जो रिक्रूटमेंट का सेक्शन है अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो उससे हमारा एल आर सी काफ़ी कमज़ोर है हम चाहते हैं यू टी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि इस एल आर सी के डोमेन को जो है वो बढ़ाया जाए और गेजटेड पोस्ट के लिए भी लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट को वैलिड करा दिया जाए जिस तरह से एक अहम चीज़ पॉइंट आपने बताया कि डोमिसाइल जम्मू कश, एंड कश्मीर के लिए जिस तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एल आर सी से किस बुनियाद पर स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं देखिए गुजशत साल आप देखेंगे तो जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से गालिबा अप्रैल मई में एक नोटिफिकेशन आया और उसमें जो पोस्ट थे यहीं बिल्कुल इसी तरह के वहाँ पे वैकेंसीज़ जो ख़ाली थी उन असामियों के लिए जो पोस्ट निकले एडवर्टाइज की गई उसमें एक बाब्ता लिखा गया कि ये जो पोस्ट हैं उसके लिए डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर का होना लाजमी है नहीं। नहीं। लेकिन आप उसके मद मकबिल में ये देखेंगे हमारा वाला यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे जो अभी चार जनवरी को इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसमें कहीं पे भी इसका कोई जिक्र नहीं है अगर यही सूरत हाल रही तो जितने भी लद्दाखी स्टूडेंट हैं वो तो सिवाय क्लास फोर ही रहेंगे और गेजटेड पोस्ट जो है सिर्फ बाहर के लोग आके यहाँ पर वो लेंगे क्योंकि हम देखिए इक्वल राइट्स की बात तब की जा सकती है जब दुनिया में इंसान को इक्वल अपॉरचुनिटीज़ हों हमारे लिए ये जो एस दिया गया है या जो रिजर्वेशन की हम बात करते हैं वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स या जो अपॉर्चुनिटीज़ बाहर के लोगों को मिलती हैं वो हमारे को नहीं मिलती इस वजह से हमें उस लेवल पर लाने के लिए गवर्नमेंट को वो अपॉरचुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होगा तब हम इक्वल राइट्स की बात कर सकते हैं तो लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट को नॉन गेजटेड से एक्सटेंड करके गेजट पोस्ट तक लेने की जरूरत है ये, ये बिल्कुल हमारी रिक्वेस्ट भी है यूटी इंतज़ामिया से और ये हम अपील करते हैं कि वो इस पर थोरॉली सोचें और यही नहीं बल्कि आप देखेंगे जितने भी डिपार्टमेंट्स में डॉग बेसिस पे या आव, आप देखेंगे कि जो परमेंेंट तौर, तौर पर फैकल्टी के लोग होते हैं हमारी ये गुजारिश है कि उसमें भी एक्सक्लूसिवली लोकल्स के लिए बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए और हायर एजुकेशन में भी जो जॉब्स होती हैं उसमें जो यहाँ के लोग हैं यहाँ के निवासी हैं उनको प्रेफ्रेंस मिलनी चाहिए ताकि हम देख हम देखते हैं कि हमें जब हमें यूनियन टेरिटरी दी गई हालांकि बहुत हमने रेजनमेंट दिखाया है अपना और इसमें बहुत सारी अभी पेचीदगियाँ बरकरार है जिसको लेकर हम डिमांड कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी जब हमें यूनियन टेरिटरी दी गई तो फ्लोर ऑफ़ द हाउस में पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के रिप्रजेंटेटिवज़ ने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यह ऐलान किया था कि हम लद्दाख के लोगों को एम्पावर करने जा रहे हैं तो जो इस वक्त एडवर्टाइजमेंट पोस्ट्स का हो रहा है और जिसमें लद्दाख के जो गेजटेड रिसर्च स्कॉलर्स हैं पीएचडी किए हुए लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं जो है इसमें पिछड़ते जा रहे हैं और इससे हमारे लोग तो सिर्फ क्लास फ़ोर ही रहेंगे हम नहीं चाहते हैं कि हम क्लास फ़ोर ही रहें हम चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों को भी थोड़ा एमपावर किया जाए और वो लोग भी इस नेशन बिल्डिंग में थोड़ा हिस्सेदारी निभा पाएँ उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो भी गेजटड पोस्ट में उनको भी रिक्रूटमेंट का एक शेयर मिले और उनको वो बाबा हिस्सेदारी तभी मुमकिन है जब हमारी एल आर सी में थोड़ी मजबूती लाई जाएगी यानी कम्प्लीट रिजर्वेशन लद्दाखियों के लिए और जितने भी डिपार्टमेंट्स में जिस तरह से परमानेंट और एडॉक बेसिस पे पोस्ट्स आने वाले वक्त में आ, जो है नोटिफाई करेंगे एडवर्टाइज़ किए जाएंगे जी। तो वो रिज़र्व रखा जाए लद्दाखियों के लिए स्पेसिफ़िकली और दूसरी तरफ जिस तरह से आपने स्कॉलर्स की बात की और रिसेंटली जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक मीटिंग भी किया है तो मीटिंग के बाद कुछ पॉइंट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है कि किस 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 मुद्दों पर जो है मीटिंग हुआ है उसमें एक अहम चीज़ ये देखना देखने को मिलता है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स में अगर हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि लद्दाख यूनिवर्सिटी यू के गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए क्या कहेंगे इसके ऊपर आप नहीं देखिए अभी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं ये आ, कल या परसों गालिबा वो हमसे मिलने वाले हैं और उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था रा किया था और हमने जो लुबे लुबाब उनकी बात समझी है और उनकी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जनवन है हम चाहते हैं कि जैसे कि वो ये भी कह रहे थे कि जो ले और करगिल के यूनिवर्सिटी कैंपस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों तरफ जो है वो इक्वल तौर पर वो सब्जेक्ट्स होने चाहें ताकि सब्जी सब्जेक्ट्स होने चाहें जैसे अभी हाल ही में एक इशू आया था कि यहाँ कुछ पोस्ट निकली थी तो उसके लिए बी एड जो है वो, जो जो है जो है वो, वो मैंडट्री में, किया गया था और इस पर स्टूडेंट्स ने यह आपत्ति जताई थी कि जैसे जंसकार में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वहाँ तो बी एड है ही नहीं या फिर नुब्रा में या कहीं द्रास में या फिर हमारे करगिल में ही जहाँ भी जो लड़का बी एड नहीं किया हो तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको मलहूज अखाते रखना उनको मद्द रखना बहुत ज़रूरी है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि वो जो अभी जो नोटिफिकेशन हमारा मेन र्ज़ ये है कि जो अभी अभी जो नोटिफिकेशन इन्होंने लद्दाख यूनिवर्सिटी का अभी जारी, जारी किया।, किया है इसको फ़िलहाल तौर पर अलतवा पे रखा जाए पहले वो पॉलिसी को जो है वो वाजह करें पॉलिसी की बात करें तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी ने रिसेंटली एक मीटिंग भी की और इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में इशारता उन्होंने कहा कि गेजटड पोस्ट के लिए भी पॉलिसीज जो है वो बनाया जा रहा है भी भी। तो क्या आप अपील करना चाहेंगे कि फ़िलहाल पहले पॉलिसी बनाया जाए इसके बाद इसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए नोटिफाई किया देखिए हम अस, बहुत अच्छी बात है ये अगर पॉलिसी पर बात हो रही है तो हम चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ये पॉलिसी वाज हो सामने आए महरद बहस आए लोग इस पर अपना इजार ख्याल तभी करेंगे जब पॉलिसी सामने आ जाएगी अभी तो कोई पॉलिसी नहीं है तो हम फिलहाल फोर ये चाहेंगे कि फ़िलहाल इसको जेर अलतवा रखा जाए इस ऑर्डर को और हम चाहते हैं कि पहले पॉलिसी जो है डिफ़ाइन हो पॉलिसी डिफाइन होने के बाद हम उसमें देखेंगे कि हमारे लद्दाख को कितना इसमें क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा ख़दशा जो आफ्टर बाइफरकेशन जो रहा है वो हमारे लैंड सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी यहाँ के लोगों के राइट्स का रहा है तो इन चीज़ों में हम चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी हो और लद्दाख के जवान जो ख़ास कर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है यहाँ के लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो जॉब्स हासिल कर सकें और इस सिलसिले में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा संजीदगी से इन मामला पे सोचे और एक फ्रूटफुल और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका कोई ना कोई पॉलिसी जल्द अज जल्द सामने आई जाए और इस नोटिफिकेशन को तब तक जहरील रखा जाए और लद्दाख के लोगों को भी गेजटड पोस्ट में बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और ये एल जो है इसको अगर हो सके तो इसका दायरा जो है वो बढ़ा करके गेजटड पोस्ट के लिए भी ये एल होनी चाहिए हमारे जिस अंदाज में फंक्शनल होना चाहिए एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी के बतौर तो वो अभी नहीं है तो जाहिर सी बात है लोग प्रेफर करेंगे कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी मुल्क के अंदर हैं उनमें जा के दाखिला लें तो यहाँ स्टूडेंट्स की इस वजह से भी काफ़ी कमी है पहले तो इस यूनिवर्सिटी को स्मूथली चलाने के लिए बेहतर अंदाज में इसको फंक्शनल बनाने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है बेहतरीन फैसिलिटीज़ का होना जरूरी है और अच्छे सब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है इसके लिए यू टी एडमिनसट्रेशन से गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में संजीदगी से इकदाम करें क्योंकि हम ये देखते हैं कि मतलब गुज्त दो साल से बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि एक है एक, एक एवोल्यूशन की तरफ जा रही हैं लेकिन हम चाहते हैं इसमें सु लाई जाए तेज़ी लाई जाए और तेज़ी से इस पर काम हो और जल्द अज जल्द जो है दोनों डिस्टिक्स में यूनिवर्सिटी को बेहतर अंदाज़ में फंक्शनल बनाए जाए ताकि स्टूडेंट्स खासकर गरीब स्टूडेंट्स जो अपने पेट पर पे पत्थर बांध के बाहर पढ़ने पर मजबूर हो जाता है वो मजबूर ना हो जाए कि वो एजुकेशनल रिफ्यूजी बने चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बन रही गुलस्तान साहब पल पल के अपडेट के लिए इस ख़बर पे और भी मजीद अपडेट्स आप तक हम पहुँचाएँगे क्योंकि आने वाले वक्त में इस्कॉलर्स लद्दाख के दो लीडिंग जो बॉडीज़ हैं उनके साथ भी मुलाकात कर सकते हैं